हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स जो कि आईलैश कैसे लगाना है। दिस इज द मेन टॉपिक आज का। और आप देख सकते हैं जैसे कि अगर जिनके लैशेस ऑलरेडी अच्छे हैं उनको जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो भी फंक्शंस में दे वांट वॉल्यूम वाला लैशेस एंड दे रियली नीड अ लेंथ एज वेल। तो जब भी हम फॉल्स लैशेस यूज करते हैं, सो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, कैसे लगाना है, मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे बताऊंगी और सब चीज डिटेल्स दूंगी इसके बारे में। फॉल्स लैशेस एक्चुअली डेली वेयर के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉल्स लैशेस हम तब लगाते हैं जब हमें कहीं पे जाना है, कोई फंक्शंस है। तो आज मेरे पास है ये यूरोप गर्ल का फॉल्स लैश है और इसका नाम है अजरा। ये लैशेस नाम से आते हैं, कई ब्रांड के जो लैशेस होते हैं वो नंबर से आते हैं। एंड मैं आपको इस तरीके से खोल के भी दिखाती हूँ। इसका जो केस है बहुत ही बढ़िया है। एंड फॉल्स लैशेस बहुत सारी वैरायटीज की आती है, कोई हल्के वाले आते हैं, कोई हैवी वाले आते हैं, कोई मिंक वाले आते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक आते हैं, आर्टिफिशियल। सो यू कैन सी दिस आई लैश आई हैव यूज्ड सो मेनी टाइम्स। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसको लगा के। और जैसे कि मैंने बताया कि जो लैशेज होती है वो बहुत सारे वैरायटीज की लैशेस होती है। जब भी आप मार्केट में जाए तो लैश खरीदने से पहले वी नीड टू नो कि हमें कौन सा आई लैश खरीदना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप मेरी वीडियोस देख के जाएंगे, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको एक सबसे इजी तरीका बताती हूँ ये पता लगाने का कि हमें कौन सा आई लैश सूट करेगा, राइट? तो जब भी आप आई लैश खरीदे, पहली बात तो कोई भी लोकल, मतलब जैसे हमें स्ट्रीट मार्केट या कहीं पे भी ऐसे लोकल बिल्कुल सस्ते वाले आईलैश मिलते हैं वो नहीं लेना है। कम से कम भी आईलैश का प्राइस 250 से लेके 300 से स्टार्टिंग रेंज के, इसमें आपको बेटर आईलैश मिल जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप आईलैश देखे, ये जो मतलब ये जो लैशेज है, मतलब ये जो हेयर नजर आ रहे हैं आपको, ये हेयर थोड़े से आपको नेचुरल लगना चाहिए। इट शुड नॉट बी सिंथेटिक। सिंथेटिक में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। कोई सिंथेटिक ऐसा होता है कि बिल्कुल प्लास्टिक जैसे आता है, बिल्कुल प्लास्टिक लुक आता है, तो हमें वो नहीं लेना है। वी शुड गो फॉर द फाइन सिंथेटिक विच लुक्स लाइक मोर नेचुरल। एंड जो लैशेज है, जब भी आप ये जो मतलब इसका जो शेप है, जैसे अगर आप देखो कि कोई लंबा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आई डोंट नो कैमरा कैच कर पाएगा कि नहीं, जैसे कोई सम हेयर्स आर लॉन्ग एंड सम हेयर्स आर शॉर्ट, तो लंबा छोटा इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो नेचुरल लैशेस भी इसी तरीके से होता है। कोई भी एक लेंथ में नहीं होता है कि सारे लॉन्ग एक ही लेंथ में। तो जब भी आप लैश लें, इसका जो शेप जरूर देखें, ऐसे होना चाहिए कि वन शॉर्ट वन लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे थोड़ा सा अनइवन सा। वी शुड नॉट टेक द लैश विच हैज अ एकदम एक जैसा, मतलब एक जैसा लेंथ, बहुत ही ड्रामेटिक लगता है और आर्टिफिशियल लगता है। तो सबसे पहले हमें करना है आई लैश कर्ल। एंड मैं यहाँ पे कर्ल करती हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा आईज को इस तरीके से यू कैन स्ट्रेच लाइक दिस, सो दैट ये जो लैश कर्लर यूज करने में बहुत ही ईजी रहेगा। एक तरफ मैं लैश यूज करके दिखाऊंगी, एक तरफ मैं यूज नहीं करूंगी, एंड सी द डिफरेंस, राइट? ये हो गया। एंड जब भी आप आई लैश निकाले, ये जो पीछे वाले साइड से, मतलब जो बैक का जो साइड होता है वो लॉन्ग होता है और फ्रंट में शॉर्ट होता है, तो ये देखिए कि आप ये नहीं कि उल्टा लैश लगाना है आपको, शॉर्ट वाला पीछे और लॉन्ग वाला आगे। आपको देखना है नेचुरल लैश कैसे होता है हमारा, आगे की तरफ शॉर्ट और पीछे की तरफ लॉन्ग, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि आपका कौन सा वाला साइड है। एंड सेकेंड थिंग इज, सम लैशेज आर टू लॉन्ग,
ये जो लैश होती है कहीं इतनी इतनी लंबी होती है, अपनी आईज से लॉन्ग लगता है, तो जब आप यहाँ तक लगाते हो तो वो बिल्कुल ड्रूपी नीचे की तरफ गिरा हुआ लगता है। तो हमें साइड से छोटा सा आप इस तरीके से मतलब एक स्ट्रिप्स यहाँ से आप कट कर सकते हो, तो आपका आई का बिल्कुल आई का साइज का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेजर करना है आपकी आईज में, यहाँ पे रख के आप काटने से पहले देख लो कि आपको कितना स्ट्रिप्स काटना है, राइट। अगर एक स्ट्रिप्स लंबा आ रहा है तो पीछे से आगे से कभी नहीं काटना है, सो यू नीड टू कट फ्रॉम द बैक साइड। आपने बैक से कट करना है इसकी लेंथ, और उसके बाद आप इस तरीके से ग्लू से, ये पैक कॉस्मेटिक्स का ग्लू है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। एज आई सेड कि डोंट गो फॉर द दोज वेरी लोकल वाला जो कि बहुत सस्ते प्राइस में मिलते हैं, एंड सम आईलैशेस कम्स विद अ ग्लू, वो वाले बिल्कुल नहीं लेने जो आईलैश ऑलरेडी ग्लू के साथ मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही गुड फॉर नथिंग, बहुत ही ऐसा होता है कि वो काम ही नहीं करता, वो ऐसे ग्लू होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया, ये देखिए बहुत ही हल्का एकदम कम इस लाइन पे मैंने ग्लू यूज किया है, और लैश को भी मैंने कर्ल कर लिया है। अब मैं यहाँ इसको कॉर्नर से होल्ड कर रही हूँ यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, एंड आई विल टेक स्मॉल मिरर मतलब क्लोज वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ से होल्ड किया इसको कॉर्नर से, एंड अगेन आई एम गोना स्ट्रेच माय आईज। उसके बाद मैं सबसे पहले इसको टिकाऊंगी इस तरीके से कॉर्नर में, कॉर्नर में मैंने यहाँ जाके टिकाया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। सो अब मैं धीरे धीरे इसको एडजस्ट करूंगी, फ्रंट में मैंने स्टिक किया, एंड आई विल पुल इट डाउन क्लोज टू द नेचुरल आई लैश। ग्लू बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये जो मेरी लैश है वो स्टिक हो चुकी है। एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड चेक लाइक दिस, आंखें बंद करके आप यहाँ पे देखिए कि कहीं से लैश, स्पेशली आई जो लैशेस है वो कॉर्नर से निकलता है, कहीं निकल तो नहीं रहा इस तरीके से। सो यू कैन सी द डिफरेंस जहां मैंने आई लैश यूज किया है। उसके बाद आप चाहो तो मस्कारा लगा सकते हो इफ यू रियली वॉन्ट टू इनहेंस अगेन योर लैशेज। वैसे मैं मस्कारा यूज नहीं करती हूँ, बहुत ही कम, कई बार अगर मेरे को मन करा तभी, अदरवाइज आई डोंट यूज। सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस जिस साइड मैंने लैशेस यूज किया है एंड जिस साइड मैंने लैश यूज नहीं किया, इस तरीके से, राइट। और इसका जो कॉस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज जस्ट ₹300, ये सिर्फ ₹300 की है, एंड दिस ब्रांड इज फ्रॉम मुंबई। और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हो, एंड यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। उसके बाद ये ग्लू है पैक कॉस्मेटिक्स का जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, एंड दिस इज हाउ यू विल यूज द आई लैश। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। एंड अगर आपको ये लैशेज उतारना है तो आप कहीं हो कि मन में ये भी होता है कि लगा तो लिया, आप उतारना कैसे है। इफ यू वॉन्ट टू रिमूव यू जस्ट होल्ड द लैश फ्रॉम द कॉर्नर, ये देखिए कॉर्नर से होल्ड करना है, और इस तरीके से इसको आराम से निकाल दो। तो बहुत इजीली ये लग गया और बहुत इजीली मैंने निकाल दिया। उसके बाद दोबारा से इसी केस में इस तरीके से आपने रखना है, सो दैट ये जो लैश है सेफली यू कैन रीयूज मेनी टाइम्स। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब मी।